आज प्रतापफल स्कूल पठानकोट ने मोशन एजुकेशन कोटे के सहयोग से एक अत्यंत प्रेरणादायक और करियर मार्गदर्शन सेमिनार की मेजबानी की। इस सेमिनार में जेई नीट फाउंडेशन कोर्स और बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें नौवीं से बारहवीं कक्षा के 600 से अधिक छात्राओं और उनके माता पिताओं ने भाग लिया। सेशन का नेतृत्व मोशन कोटे के वाइस प्रेसिडेंट एकेडेमिक्स और जेई फैकल्टी अतीश अग्रवाल तथा वरिष्ठ नीट फैकल्टी सूर्य भान द्वारा किया गया। दोनों वक्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता साझी की और प्रतियोगी परीक्षा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे छात्रों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। सेमिनार के साथ साथ मोशन एजुकेशन के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सबसे अनुशासित छात्रों को पदक भी वितरित किया गया, जिनकी की कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता दी गई। इंटरैक्टिव स्तर में माता पिता और छात्रों को अनुभवी फैकल्टी से सीधे प्रश्न पूछने का अवसर मिला, जिससे यहां सभी उपस्थित लोगों के लिए एक समृद्ध अनुभव बन गया। ये आयोजन प्रताप वर्ल्ड स्कूल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने छात्रों को एकेडेमिक्स और करियर मार्गदर्शन अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AMI न्यूज पंजाब। वेलकम मिस्टर आतिश अग्रवाल and Mr. Suryabhan Singh from Ocean Kota. Today there was a motivational and career guidance seminar which was organized in Pratapgarh school. The response and the attendance of the students was 100% and many parents were thrilled by the academic knowledge and the experience that both these expert faculties from Kota shared. We would like to tell you that JEE, which is the joint entrance examination for engineering, medical engineering colleges, and NEET, which is the entrance examinations for medical top colleges in India. उन दोनों एग्जामिनेशन जो कि भारत के सबसे प्रसिद्ध एंट्रेंस एग्जामिनेशन माने जाते हैं, उनके बारे में टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में आज प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में बताया गया। डिटेल्स के साथ साथ ये भी बताया गया कि कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव अप्रोच कितना मायने रखती है, शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते, क्या डे टू डे रूटीन, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, मोशन लर्निंग ऐप जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों को, कैसे अपने सक्सेस रेशो को वो बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज सेमिनार में बताया गया। तो मैं दिल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मोशन से आए फैकल्टीज़ का, एक्सपर्ट्स का, कि उन्होंने बच्चों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो अभी हाल ही में 6 महीने 1 साल में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा और जो नीट का एग्जाम होगा, we are pretty confident ki many aspiring students will get into the top engineering colleges of India and medical institutions of India. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करना चाहूँगा सनी सर का और स्कूल का, जिन्होंने हमें मौका दिया मोशन को कि हम आप यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट जो जेई और नीट के हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर पाएँ और हम अपने एक्सपीरियंस है, हमारे कोटा के एक्सपीरियंस है, बच्चों के अंदर ये इनहेरिट कर पाएँ कि क्या की फैक्टर्स हैं बच्चों को एग्ज़ाम को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया और मैं इस माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूँ कि जेई और नीट के एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। जैसे पहला डिफरेंस है कि जेई के एग्ज़ाम में अगर आप 30-35% भी मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज पा लेते हैं, वहीं नीट में अच्छे कॉलेज को पाने के लिए आपको 90% का स्कोर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जेई के एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर डेप्थ नॉलेज कितनी है, और नीट के एग्जाम में आपको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आपने सिलेबस कवरेज किया है वो मैक्सिमम किया है या नहीं। इन सब बातों का जब हमारे बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट फाइंड इट वेरी यूजफुल कि उनके आने वाले एग्जाम्स को वो अच्छे तरीके से कैसे क्रैक पाए। साथ ही साथ में हमने नॉर्मल गाइडेंस मोटिवेशन सेशन बच्चों को ये भी कि लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस मोटिवेशन से कितना ऊपर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अपने लक्ष्य को लेकर अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो ये दिन दूर नहीं कि आप अपने लक्ष्य पे बहुत आसानी से पहुंच पाए। हमारा हुआ था पठानकोट सेंटर पे मोशन के, उसमें बेसिकली बच्चों को ये बताया गया कि किस तरह से जेई और नीट की तैयारी करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने उन लोगों को गाइड किया कि किस तरह से जेई में आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे पढ़ाई का टाइम रखना है, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए आपको, ये हमने और नीट के बच्चों को बताया। अच्छा, बच्चे को ये समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि जेई का एग्जाम बहुत टफ है, पर मैं आपको लास्ट ईयर के जो डेटा है, मतलब पिछले कई सालों के डेटा से अगर हमने बताया बच्चों को, सिर्फ 30% पर जेई में सिलेक्शन हो जाता है, यानी केवल 30% नंबर लाने पर आप जेई के अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। और जिन बच्चों के जेई के अंदर 50 या 60% मार्क्स तक आ जाते हैं वो इंडिया के टॉप आईआईटीज के अंदर बैठे होते हैं। सिमिलरली सर ने, सूर्यबान सर ने नीट के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि नीट में अगर आप 720 में से 650+ नंबर आते हैं तो नीट के अंदर आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। मैं आपको बताऊँ, बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बच्चे
बहुत खुश थे, बहुत मोटिवेटेड होकर बच्चे निकले। उनको ये भी समझ में आ गया कि हम अगर हम आज भी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। साथ में मैं अगर मैथ्स के बारे में बोलूं तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैथ्स के लेकर भी क्वेश्चन पूछे कि मैथ्स में टफ क्वेश्चन कैसे करने चाहिए या हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो मैंने उनको यही समझाया कि हमारा जो पहला टारगेट होता है पेपर के अंदर वो इजी और मीडियम क्वेश्चन को करने का होता है। और अगर ढंग से जेई अगर मैं बात करूँ, जेई मेन्स की अगर बात करूँ, तो अगर आप मैथ्स में 25 में से 13 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हो, 13 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे की 99 परसेंटाइल बन जाती है मैथ्स के अंदर। साथ में पठानकोट सेंटर के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मोशन के जो पठानकोट सेंटर है, लोगों को लगता है कि सेंटर्स पे जो फैकल्टीज हैं बहुत अच्छी नहीं भेजी जाती, या वो सारी चीज़ें जो कोटा में मिलती हैं शायद लोगों को लगता है वो यहाँ नहीं मिलती होंगी, तो ये थोड़ा सा मिथ है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत क्लियर है, पठानकोट सेंटर पर जितनी भी फैकल्टीज आती हैं वो सब कोटा से ही अपॉइंटेड हैं। वो उसी लेवल की फैकल्टीज हैं जिस लेवल की फैकल्टीज कोटा में रखी जाती हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। आज हमने स्टेज पे भी इंट्रोड्यूस कराया, काफ़ी टीचर्स IIT से पास आउट हैं, NIT से पास आउट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर थे। इसके अलावा मोशन लर्निंग ऐप जो बच्चों को कोटा मिलता है वो भी यहाँ पर मिल रहा है, जो मॉड्यूल्स कोटा में मिलते हैं वो भी यहाँ पर मिल रहा है, यानी सारी फैसिलिटीज़ जो कोटा सेंटर पे बच्चों को मिलती है वो पठानकोट सेंटर में मिल रही है। तो जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको जेई या नीट में पठानकोट के अंदर एक अच्छे जगह पर बच्चों को तैयारी करानी है तो मोशन पठानकोट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। बिना सोचे समझे बेझिझक आप पठानकोट सेंटर पे ज्वाइन कराइए। और साथ में मैं सनी सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने हमें मौका दिया आप लोगों से बात करने का, स्टूडेंट से बात करने का। थैंक यू। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।